Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I'm going to discuss with the current affairs for the month of May 2020 and our category is agreements. So first is regarding my gov vmat वो किनके साथ ये कोलैबोरेट हुए हैं ताकि वो COVID-19 पे इंफॉर्मेशन को डिस्पर्स कर सकें. शॉर्ट वीडियो ऐप है वीमैट, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ हैंड्स जॉइन किए हैं जिसमें उन्होंने एक प्लेटफॉर्म इंगेज किया है माई गॉव में गॉव टू एड दी सेंटर्स एफर्ट्स इन कॉम्बैटिंग द मैंस ऑफ COVID-19 पैनडेमिक. ये एक ऑफिशियल प्रोफाइल एंटिटी नेम्ड माई गॉव इंडिया और ये लॉन्च की गई है ऑन वीमेट. माई गॉव लॉन्च ऑन 26 July 2014. माई गॉव इंडिया CEO कौन है अभिषेक सिंह. फर्स्ट वीडियो जो कि पोस्ट हुई थी प्रोफाइल टॉक्स पे अबाउट आरोग्य सेतु. सेकेंड क्या IIT हैदराबाद टू कोलैबोरेट विथ हांगकॉन्ग इन हांगकॉन्ग फर्म टू क्रिएट वेंचर इकोसिस्टम. IIT हैदराबाद है, उन्होंने प्लान किया है कि वो हांगकॉन्ग बेस्ड फाइनेंशियल फर्म के साथ कोलैबोरेट होंगे, एक साथ वो जुड़ेंगे ताकि वो एक नई फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट टू इस्टेब्लिश अ ग्लोबल नेटवर्क फॉर वेंचर्स एज वेल एज टू क्रिएट वेंचर इकोसिस्टम. ऑब्जेक्टिव क्या है, इनोवेशन प्रमोट करना, रिसर्च एंड इंक्यूबेशन. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या मैंशन करते हैं, जॉइंट इनोवेशन सेंटर्स इन टोक्यो जापान एज वेल एज इन तेलंगाना और ये इकोसिस्टम की हेल्प करेंगे दैट इज़ कनेक्टेड विद ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. फॉर्म वाइल्ड वाइल्ड प्रेजेंस है इंक्लूडिंग टोक्यो एंड सिंगापुर. थर्ड ICMR टू लिवरेज IBM's वर्चुअल एजेंट वॉटसन टू इनेबल रैपिड रिस्पॉन्स टू COVID-19 टेस्टिंग फैसिलिटीज. इंडियन काउंसिल एंड मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दे हैव कोलैबोरेटेड विद IBM ऑन अ वर्चुअल असिस्टेंट टू बॉल्स्टर रैपिड रिस्पॉन्स टू इंडियाज़ फ्रंटलाइन टेस्टिंग फैसिलिटीज ऑन COVID-19. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू डेली एपेक्स बॉडी है इंडिया में फॉर द फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च. ये एक ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है वर्ल्ड में और ये जो बोर्ड है विल रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक क्वेरीज. नेक्स्ट क्या है, PNB हाउसिंग फाइनेंस साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद IIT दिल्ली. अब PNB हाउसिंग फाइनेंस है, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ और ये जो इनिशिएटिव था ये R&D को सपोर्ट करेगा. अ यूनिक प्रोटोटाइप मटीरियल टू बी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सस्टेनेबल वॉशेबल एंड रीयूजेबल PPE सर्जिकल गाउन्स एंड मास्क. और इंटरिम में MD और CEO कौन है, नीरज व्यास, PNB हाउसिंग फाइनेंस चीफ कौन है, संजय गुप्ता और उन्होंने रिसेंटली रिज़ाइन दिया है. व्हाट डू यू मीन बाय PPE, दैट इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. नेक्स्ट क्या है, CSIR, IGIB एंड टाटा सन साइंस ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर लाइसेंसिंग नो हाउ फॉर रैपिड डायग्नोसिस ऑफ COVID-19. एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है CSIR कॉन्स्टिट्यूशन लैब इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ऑन टाटा सन्स फॉर लाइसेंसिंग ऑफ नो हाउस फॉर FNCS 9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डायरेक्टिव SA फॉर रैपिड डायग्नोसिस ऑफ COVID-19. ये जो इनिशिएटिव है क्रिस्पर फेल्यूडा टेस्ट, ये क्या यूज़ कटिंग एज यूज़ कर रहे हैं, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी फॉर डिटेक्शन ऑफ द जेनोमिक सीक्वेंस ऑफ द नॉवल कोरोना वायरस. और ये यूज़ किया है टेस्ट प्रोटोकॉल दैट इज सिंपल टू एडमिनिस्टर एंड ईजी टू इंटरप्ट इनेबलिंग रिजल्ट टू बी मेड अवेलेबल टू द मेडिकल फ्रेटर्निटी इन रिलेटिवली लेसर टाइम एज कम्पेयर टू अदर टेस्ट प्रोटोकॉल्स. तो रतन टाटा ये चेयरमैन है और चेयरमैन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. नेक्स्ट, विप्रो ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ ताकि वो पुणे कैंपस को 450 बेड में कन्वर्ट कर सके, चेंज कर सके ड्यू टू COVID-19, हॉस्पिटल बना सके उसको. तो यहाँ पे महाराष्ट्र सिटीजन को हेल्प करने के लिए कि COVID-19 के केसेस को टैकल करने के लिए, वहाँ से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए IT जॉइंट विप्रो है, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ और वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो IT कैंपस को चेंज करेंगे जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, हिंजेवाड़ी पूना में, 450 बेड इंटरमीडिएट केयर COVID-19 हॉस्पिटल. तो ये एक इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड
ये एक इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड COVID-19 डेडिकेटेड कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें 24 वेल अपॉइंटेड रूम्स होंगे टू एकोमोडेट डॉक्टर्स आल्सो मेडिकल स्टाफ। और इसके चेयरमैन कौन है? विप्रो लिमिटेड के ऋषभ प्रेम जी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। विप्रो इज सेट टू कंप्लीट दिस टास्क विद इन 4 वीक्स टाइम। नेक्स्ट, भारत डायनेमिक्स साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद IIT कानपुर टू मैन्युफैक्चर वेंटिलेटर्स फॉर COVID-19 पेशेंट कार। अब भारत डायनेमिक्स एंड डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इट हैज़ कम फॉरवर्ड फॉर द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेंटिलेटर्स जो कि नोको रोबोटिक्स ने डेवलप की हैं और ये इंक्यूबेटिव स्टार्टअप है IIT कानपुर का। IIT कानपुर इंक्यूबेटर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये और नोका रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड है। प्रोफेसर अभि करंदिका इज द डायरेक्टर ऑफ IIT कानपुर। नेक्स्ट, टाटा कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स टाइज अप द डोमिनोज पिज़्ज़ा ज़ोमैटो टू डिलीवर एसेंशियल गुड्स। अब जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं दे हैव पार्टनर विद द फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स लाइक डोमिनोज पिज़्ज़ा और ज़ोमैटो ताकि वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेंथ कर सके एंड इंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ इट्स एसेंशियल प्रोडक्ट्स। और उनका एम क्या है? सेव गार्ड द पीपल्स हेल्थ। ऑन डोमिनोज पिज़्ज़ा ऐप ये सर्विस है तो वो अवेलेबल होगी डोमिनोज एसेंशियल फॉर द कंज्यूमर्स इन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चाइना, हैदराबाद एंड कोलकाता। DCPL मैनेजिंग डायरेक्टर CEO कौन है? सुनील डी दसूजा। नेक्स्ट, वॉल्वो पार्टनर्स विद लुमिनार फॉर लाइडार टेक प्लान टू सेल सेल्फ ड्राइविंग कार्स बाय 2022। वॉल्वो कंपनी ये नाउ दे हैव पार्टनर विद द टेक फर्म लुमिनार ताकि वो किसका यूज़ कर सकते हैं देयर LIDAR एंड परसेप्शन टेक्नोलॉजी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वॉल्वो कार्स। नेक्स्ट जनरेशन कार्स है दैट विल बी बिल्ट ऑन द SPA2 मॉड्यूलर व्हीकल्स आर्किटेक्चर दैट गोज इन टू प्रोडक्शन इन 2022। लिडार सिस्टम शूट आउट मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ लाइट अ सेकेंड मेजरिंग हाउ लॉन्ग दे टेक टू रिटर्न आफ्टर बाउंसिंग ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स टू बिल्ड अ मैप ऑफ द सराउंडिंग्स। वॉल्वो से CEO कौन है? हकम संभालसन। लिडार स्टैंड्स फॉर लाइट डेकोरेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट, जियो गेट्स न्यू मार्केट इन्वेस्टर विस्ता इक्विटी टू बाय 2.32% ऑफ फॉर ₹11,367 करोड़। तो विस्ता इक्विटी पार्टनर ये एक US बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव टेक फोकस्ड फंड है। विल पिकअप 2.32% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स फॉर ₹11,367 करोड़। और ये थर्ड हाईएस्ट प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड यूनिट में। अप्रैल में जो ये फेसबुक था ये ब्रॉटर 9.9% स्टेक इन जियो फॉर ₹43,574 करोड़। और ये सोशल मीडिया पावर हाउस की बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है सिंस $22 बिलियन ब्रांड ऑफ व्हाट्सएप इन 2014। 4 मई को अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी जॉइंट सिल्वर लेक पार्टनर्स उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म्स परचेज किया है फॉर ₹5,655.75 करोड़। और ये जो वैल्यू है जियो प्लेटफॉर्म्स की दैट इज एन इक्विटी वैल्यू ऑफ 4.91 लाख करोड़। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद टाटा पावर SCD फॉर इंफ्रा मॉडर्नाइजेशन एट 37 एयरफील्ड्स। डिफेंस मिनिस्टर ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टाटा पावर SCD फॉर मॉडर्नाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड एंड नेवी एट अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 1200। और ये जो फेज है 2 ऑफ MAFI प्रोग्राम है ये अपग्रेडेशन हुआ इसका ऑफ नेविगेशनल एड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर दिस प्रोजेक्ट वुड इन्हांस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बाय फैसिलिटेटिंग एयर ऑपरेशंस ऑफ मिलिट्री एंड सिविल एयरक्राफ्ट इवन इन पुअर विजिबिलिटी एंड एडवर्स वेदर कंडीशन वाइल इन्हांसिंग एरोस्पेस सेफ्टी। नेक्स्ट क्या है आपका? इंश्योर टेक रिकवरी टाइज अप विद NPCI दैट NPCI इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इंश्योर टेक रिकवरी है दे हैव टाइड अप विद NPCI एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि रिटेल पेमेंट्स ऑपरेट की जाती हैं, सेटलमेंट सिस्टम्स हैं टू इनेबल NPCI टू ऑफर COVID-19 हेल्थ इंश्योरेंस टू ओवर देयर 700 million RuPay cards यूजर्स। NPCI
ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट्स की जाती हैं। ये एक RBI का इनिशिएटिव है और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ये दे आर अंडर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 और एक रॉबस्ट पेमेंट सिस्टम क्रिएट करते हैं सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। NPCI के प्रेजिडेंट कौन है? दिलीप एसबे। नेक्स्ट, फेडरल बैंक मनीग्राम टाइप फॉर डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट सर्विस। मनीग्राम पेमेंट सिस्टम है वो दे हैव टाइड अप विद द फेडरल बैंक और जिसमें कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट अपॉन ऑप्शंस फॉर द कस्टमर। ये जो पार्टनरशिप कस्टमर्स हैं दे कैन रिसीव द डिपॉजिट्स डायरेक्टली इन देयर बैंक अकाउंट्स विदाउट लीविंग देयर होम्स। तो फेडरल बैंक टैगलाइन क्या है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। फेडरल बैंक टैगलाइन क्या है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। हेडक्वार्टर अलुवा कोची। फेडरल बैंक CEO श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक दिन का 15% शेयर से भी ऊपर है कंट्री रेमिटेंस मार्केट। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद CCMB विंस बायो प्रोडक्ट्स टीम अप फॉर COVID-19 थेरेपी। तो अब ये जो आपके यूनिवर्सिटी है हैदराबाद की और CSIR है दैट इज सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी दे हैव टाइड अप विद वींस बायो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। किसके लिए ये टाइप हुए हैं? ताकि वो एंटीबॉडी फ्रेगमेंट को डेवलप कर सके बेस्ड इम्यूनोथेरेपी फॉर ट्रीटमेंट फॉर COVID-19 पैनडेमिक। और इन्होंने प्लान किया है कि वो Fab2 प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। ये जो Fab2 प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को प्रोवाइड कर रही है फ्रॉम होर्सेस फॉर अ वेराइटी ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग पैथोलॉजीज इन ह्यूमन्स एज एंटीवेनॉमस एंटीटॉक्सिन्स एंड एंटीवायरस and they have been providing neutralizing antibodies from the horses. Next, Act grants partners with Bill and Melinda Gates Foundation others to combat COVID-19. Bill और Melinda Gates Foundation है, ये एक Michael and Susan Dell Foundation और वधवानी Foundation है। They have joined an action for COVID-19 team act grants as donors और वो expand करेंगे outreach of the initiative। ये एक्ट एक इंडियन नॉन प्रॉफिट ग्रांट है। गेट्स फाउंडेशन विल बी अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स सिलेक्शन प्रोसेस एंड विल सप्लाई प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन विद अ फोकस ऑन द स्टेट सच एज बिहार एंड UP। वधवानी फाउंडेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स ग्रांट फॉर सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स। एक्ट है ये सेटअप हुआ था बाई वेंचर एंड कैपिटल इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप फाउंडर्स। सो गाइज, दिस वॉज रिगार्डिंग द अग्रीमेंट्स एंड अगेन इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी कॉन्टिन्यूइंग विद दिस कैटेगरी अग्रीमेंट्स। थैंक यू।